हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो आप देख रहे हो ये कॉकरेल का मुर्गा है और इसको अपने फॉर्म में आए हुए आज 52 दिन हो चुके हैं। और दोस्तों 50 दिनों के बाद जो मुर्गे में प्रॉब्लम है बहुत कुछ समझ में आ रही है मुझे, वो प्रॉब्लम क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और जो भी भाई चैनल में नए आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों हमने मुर्गे की चोंच काटे थे 21 से 22 दिन में और अब मुर्गा हमारा हो चुका है 52 दिन का। तो मुर्गा ने अभी से काटना स्टार्ट कर दिया, मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए दोस्तों इस तरह से मुर्गा ने अभी से काटना स्टार्ट कर दिया एक दूसरे को। तो यह सबसे बड़ा दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इस साइज में मुर्गी की चोंच काटना या गलाना बहुत दिक्कत का काम होता है और मुर्गे में काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस भी होता है क्योंकि दोस्तों मुर्गा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम अब क्या करेंगे मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। अभी हम दोस्तों इसको कुछ दिन देख लेते हैं, यदि मुर्गा कंट्रोल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अंतिम पॉइंट इसका यही रहेगा कि हमें चोंच काटना ही पड़ेगा क्योंकि दोस्तों उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, नहीं तो हमारे फॉर्म में मॉर्टलिटी स्टार्ट हो जाएगी। और अभी मैं वेट की बात करूँ तो मुर्गे का वेट आ चुका है 600 ग्राम और अभी जो मंडी है दोस्तों बहुत ही बुरी तरह से मंडी नीचे आ रही है। तो जिस किसी भी भाई के पास 1 किलो साइज का या 900 ग्राम साइज का मुर्गा है आपसे रिक्वेस्ट है आप मुर्गा दोस्तों सेल कर दीजिए क्योंकि आगे जाके बहुत बड़ा खतरा है। अभी दोस्तों ये अपना जो मुर्गा है इसकी भी दोस्तों कोई गारंटी नहीं है कि क्या रेट में बिकेगा, ये 150 रुपये भी में भी बिक सकता है, नहीं तो 140 में भी बिक जाएगा, नहीं तो दोस्तों 200 रुपये केजी भी बिक जाएगा क्योंकि अभी जो जिस तरह से जो मार्केट में मुर्गा आ रहा है मैंने बाहर दोस्तों पता लगाया काफ़ी मतलब ज़्यादा वेट का मुर्गा आ रहा है 1200-1300 ग्राम का। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो मुर्गा की मॉडलिट स्टार्ट हो चुकी है, अब एग्जांपल के लिए देख लीजिए दोस्तों मैं दिन भर से नहीं आया था फॉर्म में और अभी से बच्चा अपना मरना स्टार्ट हो चुका है चोंच काट काट के देख सकते हो। तो यह दोस्तों मतलब एक तरह से हमारा कितना नुकसान हो सकता है आप देख सकते हो कि ये साइज में मुर्गा मरना सीधा से समझो कि 100 से 150 बच्चा का रुपये का लॉस। और यह दोस्तों हम होने नहीं देंगे, हमको मुर्गे की चोंच काटना ही पड़ेगा। यदि आपके भी फॉर्म में इस साइज का मुर्गा है तो आप मुर्गे को दोस्तों आराम से लाइए, लेट लाइए, अभी मुर्गे को आप फूल दाना भी ना दें क्योंकि रेट आगे जाके बहुत ही कम होने वाले हैं। तो थोड़ा धीरे लाए माल को, हम दोस्तों मुर्गे को अभी बहुत भूखा रखते हैं इसके वजह से मुर्गा काट रहा है, हमारा मेन रीज़न ये है काटने का, बाकी ऐसा कुछ रीज़न नहीं है। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन जानकारी और मैं आपको कुछ बताने वाला था कि बीमारी 50 दिन के बाद। तो पहली प्रॉब्लम बता दिया चोंच की जो बच्चा एक दूसरे को काट रहा है और दूसरी प्रॉब्लम है दोस्तों मुर्गे में मुझे कल 2 बच्चे की मॉर्टलिटी हुई थी जिसमें मुझे एक बच्चे में ऐसा लग रहा था कि गंबोरों की प्रॉब्लम आ रही है, बट दोस्तों आज मैंने देखा तो आज मुझे किसी भी तरह की कुछ भी मॉर्टलिटी समझ में नहीं आई। और मैंने गंबोरों के लिए जो मेडिसिन दे रहा था इमोन दे रहा था दोस्तों उसका रिजल्ट अच्छा है, वो जैसे दोस्तों अपना गंबोर आता है तो वो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है, तो आप भी इम्यून मेडिसिन जरूर दीजिए। और ये थी आज की वीडियो, 52 मतलब टोटल मेरी वीडियो हो चुकी कॉकरेल पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर। तो जो भी भाई चैनल में नए हैं कॉकरेल पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं और उसकी पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल में जाके पूरी वीडियो देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।